हेलो एंड वेलकम गाइस, इज अ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये हमारा जो लाइव प्रैक्टिस पेपर चलता है उसका पार्ट 10 है इंग्लिश के लिए। वैसे मैं आपको लाइव नहीं करा पाऊंगा ये प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि मैं अभी घर गया हुआ हूँ। तो बाकी जो 11th प्रैक्टिस पेपर होगा मंडे को हम लाइव कर लेंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर सोच के आप नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस का आंसर मैच कर लीजिएगा, तो वो आपके लाइव की तरह ही हो जाएगा। तो गाइज, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये इंग्लिश के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम आपके पास में टारगाइड आपके पास में वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अति शोभन, ठीक है। तो इसका एंटोनियम आपको बताना है। तो इसका जो सही एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीन, ठीक है। क्लीन का मतलब आपको पता ही होगा, साफ सुथरा होता है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्मूथ है, स्मूथ का मतलब मुलायम होता है, ब्राइट का मतलब चमकीला या साफ सुथरा बोल सकते हैं, डिटेल का मतलब विस्तार से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड आपको यहाँ पे बताना है, ए ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉरपर, ठीक है। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसे लेने से आपको नींद आती है या नशा होता है, तो आपको पता ही होगा वो होता है नरकोटिक, ठीक है। नरकोटिक आपके पास में जैसे चाय में भी होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है, तो लेकिन इतना आपको नशा का पता नहीं चल पाता है, लेकिन निकोटीन आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकोटिक हो जाएगा, लेकिन ये ड्रग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जिससे कि नशा आपको बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, आपको पता भी होगा आई होप इसके बारे में। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे गार्टिफाई आपके पास में वर्ड है, ठीक है। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। इसका मतलब होता है संतुष्ट करना या पूरा करना या बढ़ावा देना, ग्रेटिफाई करना। इसका सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिफाई करना, ठीक है। पैसिफाई करना इसका मतलब ये होता है विस्तार करना हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाएगा पैसिफाई, इसका जो सिनोनियम हो जाएगा फ्रैंक का मतलब आपको पता ही होगा। फ्रैंक का मतलब खुले दिल का या खराब व्यक्ति आप बोल सकते हैं, ठीक है। आउटस्पोकन आप इसे बोल सकते हैं, फ्रैंक जो मतलब दिल में नहीं रखता कुछ भी बात, सारी बातें जबान पे ले आता है बिना किसी अवरोध के। उसके बाद है आपके पास में अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, कोई अच्छा काम करता है आपके लिए तो आप उसे अप्रिसिएट करते हैं, आई एम अप्रिशिएट टू यू, ठीक है। तो उसके बाद है इंडिविजुअल आपके पास में, इसका मतलब होता है सुख करना, ठीक है। एंडोलॉज मतलब होता है खुश करना, सॉरी सुख करना नहीं होगा, खुश, हैप्पी वाला, ठीक है, तो खुश करना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गिव द प्लूलर ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका प्लूलर आपको बताना है। तो चलो इसका प्लूलर के बारे में बात करते हैं। वॉच आपके पास में वर्ड है, तो देखिए मैंने आपको बताया था SCH, ऐसे कुछ वर्ड अगर आपके पास में हो तो आप इसको क्या करना होगा, उसमें ES या S आपकी सहूलियत के हिसाब से लगा देना है। वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए वॉचेज हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट पार्ट, सॉरी करेक्ट पार्ट। करेक्ट आपको बताना है, 3 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है, तो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अकोमोडेशन आपके पास में वर्ड है, जिसका मतलब होता है आवास, ठीक है। जो होम के लिए आप बोलते हैं आवास गृह, इससे होगा अकोमोडेशन बोलते हैं। इसका सही स्पेलिंग बी में लिखा गया है, ACOMODATION। मैं आपको बार बार इससे अवगत कराता हूँ कि ऐसे वर्डों को ज़्यादा ध्यान में दीजिएगा जिसमें DOUBLE M, DOUBLE T, DOUBLE O, जो भी वर्ड डबल बार यूज होता है उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होता है। तो 5 का सी आंसर, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए लेजी और फूड विच इज नॉट फ्रेश, ठीक है, एकदम बासी, तो उसे बोलते हैं स्टेल। तो स्टेल हो जाएगा आपके पास में, 6 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये कहता है यहाँ पे आपको करेक्ट चॉइस बताना है कि जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैकल्टीज द ब्लैंक ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो आपके पास सी हो जाएगा, एक्वेसेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है अभिग्रहित, ठीक है, अभिग्रहण या प्राप्ति। तो जनरल साइंस, जनरल साइंस और जो एजुकेशन फैकल्टीज की जो प्राप्ति है वो क्या है, एक विशिष्ट स्किल है, तो आपके पास में सी आंसर हो जाएगा। क्रिएशन का आपको पता ही होगा, क्रिएशन का मतलब यहाँ पे आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में वर्ड है क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है रचना,
और बाद ये आपके पास में रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मांग या उपेक्षा आपके पास में, और जो डी आपके पास में है प्रोक्योरमेंट, ठीक है प्रोक्योरमेंट यहाँ पे आपके पास में है जिसका मतलब होता है प्राप्ति या उपलब्धि। ठीक है तो यहाँ पे जो सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन मेक हे। ठीक है कहता है मेक हे द सन साइंस। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो यहाँ पे हे जो आपके पास में है एच ए वाई, इसका मतलब होता है सूखी घास। ठीक है मेक हे वाहिल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वाहिल ये टाइम को रिलेट करता है कि जब तक द सन साइन, जब तक सूरज चमक रहा है तब तक तुम सूखे घास को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। तो यहाँ पे 8 का सी हो जाएगा। इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपने तरीके से आप जोड़ सकते हैं मेक हे, क्योंकि घास बनाना या ऐसा कुछ होगा तो लगभग बनाया तो नहीं जाता, तो घास को, सूखे घास को इकट्ठा ही किया जाता होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो बाकी यहाँ पे व्हाइल यूज होगा। व्हाइल टाइम को बताता है, व्हेन भी यूज करते थे हो, लेकिन व्हेन यानी कब होता है, कब, तो लेकिन यहाँ व्हाइल यानी जब तक आप सन चमक रहा है ना तब तक। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो देखिए एडजेक्टिव आप याद ही कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर प्रैक्टिस पेपर में ये लगभग रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन एडजेक्टिव से आ रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बोदर आपके पास में वर्ड है जिसका मतलब होता है कष्ट उठाना, ठीक है, तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो जाएगा बोदरसम, ठीक है कष्टप्रद हो जाएगा आपके पास में, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। तो यहाँ पे जो एरर वाला पार्ट है ना, ये बी पार्ट में है। ऑल द इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपके पास में दिया गया है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी ऑल या ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीस ऐड करना पड़ेगा, ऑल द पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, ऑल द नहीं बोलेंगे, तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बोलते इन्फॉर्मेशन की जगह आपके पास में जो स्वीट्स है कुछ भी होता है ना, तो भी आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें पीस में मिलती हैं उसको आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या पीस ऑफ लड्डू, पीस ऑफ स्वीट ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास में सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब बताना है आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी ब्लैंक माई वाइफ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में सारे ऑप्शन सही लगेंगे आपको, और ज़्यादातर लोग इजी यहाँ पे प्रेफर करेंगे, मुझे लग रहा है वाज भी प्रेफर करेंगे, सी के हिसाब से आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग फोकस करने वाले हो, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपका सही आंसर वर होगा, वर यानी वर होगा। ठीक है कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए वर हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, वाज के स्थान पे कुछ जगह पे हम वर यूज़ करते हैं, जब क्या होता है कि वो आपके पास में एक्सप्रेशन दिखा रहा हो हाइपोथेटिकल, ठीक है काल्पनिक बातें हो रही हो सेंटेंस में, विशफुल कंडीशन हो या इमेजिनेटिंग हो, इमेजिनरी हो, ठीक है या डिज़ायर हो या डाउटफुल हो, तब ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर हो या प्लूलर हो वर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई ऑर्डर हर अबाउट एज इज सी वर माई वाइफ, इसमें कहता है कि मैं उसके बारे में आदेश देता हूँ जैसे वह मेरी पत्नी थी। ठीक है मैं उसको इस तरह से आदेश देता था जैसे वो मेरी पत्नी थी। तो ये क्या कर रहा है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक है एक तरह से, तो ये बता रहा है अभी प्रेजेंट में रियल में नहीं हो रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज होगा। तो जब भी आपको हाइपोथेटिकल, विशफुल, इमेजिनरी या डिज़ायर हो या डाउटफुल हो, तो उसमें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस टेंस होता तो बात अलग हो जाती। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल स्विच ऑन ब्लैंक लाइट, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा स्विच ऑन द लाइट। उसके बाद है आपके पास में फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, तो यहाँ पे ए ब्लैंक ऑफ एलिफेंट्स फॉर रेडी टू अटैक द लायन, ठीक है तो शेर पर हमला करने के लिए एलिफेंट का क्या तैयार है, एलिफेंट का ग्रुप को होता है ना उसको हर्ड बोलते हैं, एलिफेंट का ही नहीं जो ऑल एनिमल्स, एनिमल्स का जो भी ग्रुप हो ना उसे पूरे ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। एलिफेंट की जगह अगर यहाँ पे कुछ और होता तो भी हम यहाँ पे हर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन एलिफेंट यानी कि एनिमल होता, अगर यहाँ पे पक्षी होते, बर्ड्स होते, तो फ्लॉक का यूज़ करते, तो बी आंसर होगा अगर पक्षी होते, लेकिन सही आंसर सी है यहाँ पे हर्ड। उसके बाद आपके पास में आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन सी वाज रिमूव्ड ब्लैंक द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम, सी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, फ्रॉम का यूज आप यहाँ पे करेंगे रिमूव्ड फ्रॉम। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज, तो यहाँ पे आपके पास में है होप सन्स चॉइस,
होप्स एंड चॉइस, इसका जो सही आंसर आपके पास में है वो बी आंसर हो जाएगा, नो चॉइस एट द, बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू, यानी कि कोई और चॉइस नहीं है आपके पास में, सिर्फ एक ही चॉइस है, वो करो चाहे मत करो। तो होप्स एंड चॉइस का मतलब होता है एक ऐसी चॉइस जो आपको बाइंड करती है इस चीज़ के लिए कि आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक ही चॉइस है। उसके बाद है चेंज द वॉइस, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। तो इसका जो वैसे वॉइस बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए द वर्क ही आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपके पास में है द वर्क, तो द वर्क हो गया आपके पास में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सभी में द वर्क दिख रहा है, विल आपको दिख रहा है, इतना तो ठीक है, लेकिन टेंस को ज़रा देखिए, यहाँ पे आपके पास में विल हैव है, तो टेंस से आप समझ जाइए कि विल हैव बीन आएगा, क्योंकि ये आपके पास में क्या बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट को, इसको हम बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन दो में दे रखा है आपको। तो उसके बाद है यहाँ पे ए में और डी में आपका आंसर होगा जो फिनिश्ड टुमारो, यहाँ पे देखिए बाय को इसने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ अगर प्रीपोजिशन यूज़ हो जाता है ना तो वो यूज़ आपका 100% होगा, अगर यहाँ पे एट होता कुछ भी होता, लेकिन ये सेंटेंस के अनुसार बाय सही है यहाँ पे, बाय टुमारो, लेकिन यहाँ पे इसने यूज़ नहीं किया, तो ये सही आपका आंसर डी हो जाएगा। तो अगर आप वैसे तो आप लिखते हैं ना कि सब्जेक्ट को आप बाई लगा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बाई पहले से यूज है तो बाई को 100% यूज़ करना आपको पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, तो 16 का डी आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी, व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। ठीक है, तो 16 के लिए आप यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ही सेड टू मी, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, व्हाट से आपको आंसर कर रहा है, तो आस्क हो जाएगा, ये वांटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, आस्क हो जाएगा, आस्क टू तो हट ही जाता है, उसके बाद मी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट वैट या इफ आपको लगाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाचक है, तो इसलिए हम यहाँ पे व्हाट का ही यूज कर लेते हैं। उसके बाद है टाइम, तो टाइम तक आप देखिए यहाँ पे तीनों में सेम था। उसके बाद में देखिए, उसके बाद देखिए आपको ये तो आपका हो गया, अब यहाँ पे आपको लिखना है द ऑफिसेज, तो द ऑफिसेज आपको वहाँ पे हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका पास में क्लोज है, तो यहाँ पे डिड क्लोज यूज हुआ है, यहाँ पे क्लोज यूज हो रहा है, क्लोज्ड, ठीक है। व्हाट टाइम द ऑफिसेज क्लोज, वह कौन सा समय है जिसमें ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का प्रैक्टिस पेपर, आई होप आप सभी लोगों ने सही से प्रैक्टिस कर लिया होगा और आप अपना स्कोर काउंट किए होंगे, तो आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट करके बताइए, और आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, ये लाइव क्लास नहीं थी लेकिन अगली क्लास लाइव क्लास होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।